एग्जिट पोल के रुझानों से बीजेपी गदगद है, संभावनाओं के नए दरवाजे खुलते हुए बीजेपी को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या होंगे किसी को नहीं पता। लेकिन तमाम तरह की अब चर्चाएं हैं। हमारे साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हैं। मौर्य जी, सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी ही मानी जाए, लेकिन कुछ चैनल्स ने आपको करीब दिखाया है बहुमत के, किसी ने आपको बहुमत से आगे दिखाया और किसी ने पीछे दिखाया है, अब भी कोई डर आशंका? देखिए, जिन चैनलों ने, जिन एजेंसियों ने मेहनत किया है, उनको सबके परिश्रम को करने को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो अपना परिश्रम रहा है और जो हमारे नेतृत्व के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार रहा है, केंद्र सरकार की जो हमारी उपलब्धियाँ रही हैं, प्रदेश सरकार की जो विफलताएँ रही हैं, इन सब के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी एग्जिट पोल आए हैं उन पर मुझे कोई टिप्पणी किए बगैर मैं कह सकता हूं कि हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और कल यह आंकड़ा जनता के सामने होगा। इन 300 सीटों में सकारात्मक काम का कितना नतीजा आप देखते हैं और यूपी की समाजवादी सरकार की विफलता का कितना हिस्सा मानते हैं? देखिए, विफलता तो सभी मोर्चों पर प्रदेश सरकार की 5 साल के कार्यकाल की ही नहीं है, ये 14 वर्षों की विफलता जो उत्तर प्रदेश के अंदर रही, जो उत्तर प्रदेश की 14 वर्षों से बर्बादी रही, हम 14 वर्ष की बर्बादी को लेकर के जनता के बीच में थे कि सपा और बसपा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, अगर एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है, और इन दोनों से अब यूपी को बचाने का काम करना है। और इसको बचाने के लिए जब हम जनता के बीच में गए तो लोगों का जो इनके प्रति गुस्सा था वो अस्पष्ट दिखाई दे रहा था और भाजपा में उनका विश्वास प्रकट हो रहा था। और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो गरीबों के लिए पहले दिन से ही समर्पित है, और यूपी ने ही केंद्र में हमारी सरकार को इतनी मजबूती देने का काम किया, 73 हमारे सांसद जीते, इसलिए मैं कहा करता हूँ मैं 2017 के इस चुनाव में हम 2014 दोहराएंगे और 2019 में फिर से 2014 से भी 7 सीटें अधिक, मतलब हम 80 की 80 सीटें कमल के फूल को खिला करके माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का एक संकल्प लेकर के, लक्ष्य लेकर के काम करेंगे। एक को आप सांपनाथ कह रहे हैं, एक को नागनाथ, लेकिन दोनों ही दलों में गठबंधन की सुगाहट भी सुनने को मिल रही है, अखिलेश यादव ने संकेत भी दिया है। देखिए, इन दोनों का गठबंधन कोई आज का नहीं है, ये गठबंधन बहुत पुराना है। सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली 10 साल सरकार चली, 12 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला किया, और ये 12 लाख करोड़ का जो घोटाला ही सपा बसपा के सहयोग से हुआ है, और 14 वर्षों में सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया। और जब अखिलेश यादव जी के साथ राहुल गांधी जी गठबंधन करने के लिए आए तो उन्होंने बसपा के साथ जो संबंध उसका उल्लेख भी किया, और श्री अखिलेश यादव जी ने योजनाबद्ध तरीके से बसपा के खिलाफ कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो गए, और अभी भी कई भ्रष्टाचार से संबंधित बसपा के कई बड़े नेताओं की लोकायुक्त की जांच के बाद फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर रखी हुई हैं, उस पर कार्रवाई नहीं की। तो ये बुआ भतीजे का संघ, हम लोग तो पहले भी कहते हैं बुआ और बबुआ एक हैं, और इनके एक होने से बीजेपी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक थे, एक हैं और एक ये रहेंगे, और ये एक होकर के लड़े हैं हमारे खिलाफ, तब भी भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतेगी। अब तक कार्रवाई नहीं की तमाम मामलों में, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है, चूंकि अभी आखिरी नतीजे और फाइनल नतीजे आए नहीं है, सबको इंतजार है, बीजेपी की भूमिका क्या होगी और किस तरह का कामकाज देगी सूबे में? तो हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से स्पष्ट तौर से कहा है 14 साल के भ्रष्टाचार की जाँच कराएंगे, विकास का एक नया रोड मैप लेकर के आए, अस्थायी विकास हो, खोखला विकास न हो जिसमें भ्रष्टाचार होता है, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कृषि के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगे इसका प्रयास कर रहे हैं। यूपी के अंदर जो मेरा नौजवान है जो निराशा के दौर से गुजर रहा है, उसको निराशा से बाहर लाने के लिए हम भर्तियों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 3री-4थी श्रेणी की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने का काम करने जा रहे हैं। यूपी में कत्लखाने चल रहे हैं लेकिन दूध की डेयरियाँ नहीं चल रही हैं। गुजरात छोटा राज्य है लेकिन जितना गुजरात जैसे 6 करोड़ की आबादी वाले और रेगिस्तान जहाँ सर्वाधिक है वहाँ दूध का उत्पादन होता है, उतना यूपी जैसे इतने सभी प्रकार से सक्षम और संपन्न राज्य में नहीं होता है। तो हम उत्तर प्रदेश में कत्ल खानों को, खून बहाने वाले कारखानों को बंद करेंगे और दूध बहाने वाले, उसको कारखाना कहिए चाहे डेयरी कहिए, उनको शुरू करेंगे। आपने तमाम प्राथमिकताएं अभी से गिनाई हैं लेकिन राम मंदिर का जिक्र नहीं किया, जबकि चुनाव जब प्रचार शुरू हुआ था तो आपने कहा था सरकार बनेगी तो मंदिर बनेगा। लोक कल्याण संकल्प पत्र में मंदिर के संबंध में भी भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है, अगर आपने ना पढ़ा हो तो उसको पढ़ लीजिए। नहीं, लेकिन प्राथमिकताओं में तो सबसे ऊपर होना चाहिए था, आपने जिक्र नहीं किया। ये बनाने का विषय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो मुकदमा विचाराधीन है, सरकार बनाने के बाद उसको कोई बना सकता है क्या? सरकार बनने के बाद केवल सहयोग कर सकते हैं। उसमें हमने मंदिर के संबंध में अपनी बात कही है उसमें कि हम संवैधानिक मर्यादा में
निर्णय शीघ्रता से हो, जो उसमें किया जा सकता है वो सहयोग करेंगे। एग्जिट पोल के जो रुझान सामने आए, एक सवाल अब सबके मन में कौंध रहा है कि आपने कोई चेहरा नहीं दिया पार्टी ने यूपी में, तो चेहरा कौन होगा अगर सरकार आपकी बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये तो आपको कल पता चल जाएगा, रिजल्ट आने दीजिए। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, बैठक के माध्यम से पर्यवेक्षक तय होंगे, विधायक दल के साथ चर्चा करेंगे और कौन होगा वो कल हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आपको बता देगा। अभी तो सबके ध्यान में एक ही है कि यूपी से अधिक विधायक जीतें, भारतीय जनता पार्टी की यूपी में मजबूत सरकार बने, जो लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुसार कार्य करे और यूपी को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाए। जब प्रदेश अध्यक्ष के लिए होमवर्क हो रहा था पार्टी में, तमाम दावेदार थे लेकिन अंतिम चयन आपका हुआ, भरोसा आप पर जताया गया, उम्मीद है कि फिर से जब एक बार मुख्यमंत्री चुनने की बारी आएगी तो पार्टी शायद आपकी तरफ देखेगी और फैसला आपके पक्ष में करेगी। पार्टी क्या करेगी ये तो पार्टी जब बैठेगी तब तय करेगी, मैं कैसे बता सकता हूँ पार्टी क्या करेगी, लेकिन मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा अध्यक्ष उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी निभाएगा। ये सवाल केशव जी ने इसलिए पूछा कि पहले भी आपने कई लोगों को पीछे पछाड़ा था, छोड़ा था, दौड़ में जो लोग थे बहुत मेहनत की है चुनाव में, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका भी हक बनता है? नहीं, अध्यक्ष के नाते जो कर्तव्य है उसका निर्वाह किया हूँ और हर अध्यक्ष को अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, केवल मैंने ही नहीं किया ऐसा, जो भी इस प्रकार के दायित्व पाए, जो जिले के अध्यक्ष थे उन्होंने जिले में मेहनत किया, जो क्षेत्र के अध्यक्ष थे उन्होंने क्षेत्र में मेहनत किया और प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने भी मेहनत किया, मेरे एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत किया, उनके पसीने के बल पर या आत्मविश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ कि यूपी मेरे साथ है, इसलिए मेरी विजय हो रही है। मेरी विजय का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सुशासन आने जा रहा है, कुशासन समाप्त होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल, ये तो दावे हैं जिस तरह पूरे चुनाव प्रचार में देखे गए, नतीजों से पहले तो दावे कहे जाएंगे, अगर बहुमत नहीं मिलता है तो कोई प्लान बी या किससे हाथ मिलाएंगे, गठबंधन की रूपरेखा क्या होगी, उस पर कोई विचार विमर्श अंदर खाने? देखिए, जिनको अविश्वास होता है वो इस प्रकार के गठबंधन और तिकड़म की चर्चा करते हैं। मेरे पार्टी के अंदर शब्द कोश में ये शब्द किंतु परंतु अगर मगर यह वह है ही नहीं, केवल एक ही बात है, हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, अपने दम पर प्रचंड बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। गुंडागर्दी, माफियागिरी, भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, इन सब से उत्तर प्रदेश को बाहर लाने का काम करेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो यूपी विकास के पथ पर इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि भारत का कोई राज्य शायद उत्तर प्रदेश के विकास का मुकाबला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है, मुझे विश्वास है। फिर 73 सांसद हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यूपी से हैं और उत्तर प्रदेश विकास में बहुत पीछे छूटा हुआ है क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त, गुंडागर्दी में लिप्त, जमीनों के कब्जे में लिप्त समाजवादी पार्टी की सरकार ने कभी विकास पर ध्यान नहीं दिया। और अभी नतीजे भी नहीं आए लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कैसे देखते हैं उन बयानों को आप? समाजवादी पार्टी जो बयान दे रही है मैं उसको नहीं देख रहा, मैं कल वोटों की गिनती जो होनी है वो निष्पक्षता से हो, ठीक से हो और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अधिक से अधिक विधायक जीत करके आवें उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई गलती किया है तो सजा मिलती है, आप जानते हो, अच्छा करोगे तो पुरस्कार मिलेगा, बुरा करोगे सजा मिलेगी। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, मैं आखिरी सवाल के साथ खत्म करूंगा इस इंटरव्यू को कि अच्छा करेंगे तो इनाम मिलेगा, आपने कहा अगर मगर की बात नहीं होती, सियासत में संभावनाओं का समीकरण साथ साथ चलता है, आपने भी बहुत मेहनत की, आपने अगर अच्छा किया है और इनाम के तौर पर अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पार्टी सौंपती है तो क्या उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप तैयार हैं? मैं कोई गलत फहमी पाल करके नहीं चलता, मेरा एकदम निर्धारित है कि मैं भारत की संसद का सदस्य हूँ, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष के नाते और सांसद के नाते मेरा अभी लंबा कार्यकाल बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केशव प्रसाद मौर्य जी का ये कहना है कि सरकार बनेगी, दावा कर रहे हैं पूर्ण बहुमत की बनेगी, 300 सीटों का दावा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है उसकी जाँच कराई जाएगी, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएँ भी गिनाई, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उनका चयन पार्टी करती है उस सवाल पर उन्होंने पत्ते ज़रूर नहीं खोले, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पहले जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको उन्होंने बखूबी निभाया है, यानी कहीं ना कहीं कोई संकेत तो इसमें भी छुपा है। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।